थर्टीन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एकदम अपने नोटबुक एकदम टॉप पे लिखेंगे ये मोटिवेशनल कोट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोटिवेशनल कोट है बाय द कलाम सर कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर इट विल मेक यू सक्सेसफुल पर्सन तो जो कॉन्फिडेंस और जो वर्क होता है वो एक सबसे अच्छी मेडिसिन होती है फेलियर के डिजीज़ को मारने के लिए ये आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल पर्सन बना देगा अगर ऐसा कलाम सर कह रहे हैं तो हमको मांगना ही होगा तो फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर थर्टीन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्योंकि रिव्यू कर लेते हैं लेक्चर नंबर ट्वेल्थ का कि हमने लेक्चर नंबर ट्वेल्थ में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी एक बार क्यूक रिव्यू कर लेते हैं अपने लेक्चर नंबर ट्वेल्थ का तो लेक्चर नंबर ट्वेल्थ में हमने देखा था कि हम कन्फिग्रेशन चीज़ को कन्फिग्रेशन बोलते हैं तो आप जो है एज ए एस ए कंसल्टेंट रिक्वायरमेंट क्लाइंट की जो है गैदर करते हो उसके बाद उसको एस कॉन्फ़िगरेशन में उसको एस uh, ए में एस के सॉफ्टवेयर में उसको कन्फिगर करते हो ठीक है उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हैं क्लाइंट ने तो उनको आप कन्फिगर करते हो एस ए पी एनवायरमेंट में तो ये जो ये जो काम करता है उसको हम कंसल्टेंट कहते हैं ओके सो so, कंसल्टेंट काम क्या क्या होता है कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट एंड मैप द रिक्वायरमेंट इन एस ए पी सिस्टम बाय डूइंगशन तो उसके बाद हमने देखा था कि मेटर मास्टर रिकॉर्ड में जैसे कि हम जो है कैटेगराइज कर देते हैं मेटेरियल टाइप में तो मैटेरियल टाइप क्या होता है जैसे रॉ मेटेरियल होता है ठीक है स्पेयर पार्ट्स होता है जैसे कि बोल्ट्स नट्स प्लग बहुत ये स्पेयर पार्ट्स हैं फिनिश गुड्स होते हैं लाइक मशीन फैन कंप्यूटर सेमी फिनिश गुड्स भी होते हैं ठीक है इसको कहते हैं हम मटेरियल टाइप मटेरियल ग्रुप में भी हम कैटेगराइज कर देते हैं जैसे कि हम बोल देंगे कि ये मैकेनिकल ग्रुप का मेटेरियल्स हैं ये जो क्लाइंट ने हमको मटेरियल्स दिए हैं ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप के हैं ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के हैं तो हम ऐसे ग्रुप वाइज भी उनको कैटेगराइज कर देते हैं ठीक है उसके बाद फिर हमने देखा था ये वैल्यूएशन क्लास और ये कोड्स ये बेस ये चार टाइप के बेसिक मटेरियल्स होते हैं रॉ एंड फॉल्ट राइट फिर इसके बाद हमने देखा था कि कि कन्फिग्रेशन करते कहाँ है हम कन्फिग्रेशन करते हैं हम एस पी आर ओ में इंप्लीमेंटेशन गाइड में उसके बाद हमने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स भी देखी थी कि क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है ये जो हम मेटल मास्टर रिकॉर्ड का कन्फिग्रेशन कर रहे हैं इसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है बहुत बार इंटरव्यू और ये पूछ लेते हैं कि ये जो आप कर रहे हो उसकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट क्या है क्योंकि आप बिना वाय के आप कुछ भी नहीं करते हो तो आप एज एस ए पी कंसल्टेंट भी आपको रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी तभी तो कन्फिग्रेशन करोगे ना तो ये आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है जो आपको पता रहनी चाहिए उसके बाद फिर हमने देखा था कि कन्फिग्रेशन ऑफ द मेटर मास्टर रिकॉर्ड में क्या क्या होता था तो, तो बेसिकली पांच चीज़ें होती थी

जो कि हमने जो है एस में जाना है इम्प्लीमेंटेशन गाइड में जाना है लॉजिस्टिक जर्नल में जाना है मेटेल मास्टर में जाना है फील्ड सेलेक्शन में जाना है देन डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर स्पेसिफिक फील्ड सेलेक्शन में जाना है उसके बाद एग्जीक्यूट करना है ये सारी चीज़ें हमने करके दिखाई थी उसके बाद आपको स्टैंडर्ड जैसे मैकेनिकल है आपकी इंडस्ट्री टाइप तो जैसे कि आपका जो है आपका क्लाइंट जो है वो है आपका जैसे कि स्टील प्लांट का अगर कोई प्लांट आपका क्लाइंट है लाइक स्टील प्लांट जो है आपका क्लाइंट है तो वो भी एज अ मैकेनिकल आप रेफरेंस ले सकते हो तो आप रेफरेंस जो है मैकेनिकल लोगे तो रेफरेंस मैकेनिकल लोगे कॉपी एज करोगे राइट कॉपी एज करोगे उसके बाद आप अपने इंडस्ट्री सेक्टर दोगे आपकी इंडस्ट्री का डिस्क्रिप्शन दोगे बट कीप इन माइंड फील्ड रेफरेंस आपको चेंज नहीं करना है राइट इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस दिया है कि फील्ड रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं करना है ठीक है देन उसके बाद आपको आ, जो है स्टूडेंट धर्मा दिया गया था होप है कि आप जो है सारे लेक्चर्स का स्टूडेंट धर्मा जो है आ, कर रहे हो और अगर अभी तक नहीं किया है तो लेक्चर वन से स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं है लेक्चर वन से स्टार्ट करो स्टूडेंट धर्मा मेरे को स्क्रीन जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जो है सेंड करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नीचे राइट right? उसके बाद फिर हम देख लेते हैं लेक्चर नंबर थर्टीन सो लेक्चर नंबर थर्टीन में हम देख लेते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दियल टाइप तो ये होता है इसका पाथ इम्प्लीमेंटेशन गाइड लॉजिस्टिक जनरल एकदम वेल में आपको दिया हुआ है अब चलते हैं अपने एस सैंडबॉक्स पी बॉक्स पे लॉग इन लॉग इन यूजर आई डी और पासवर्ड देंगे हम अपना यहाँ पे राइट एंटर एस पी आर ओ क्योंकि हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करते हैं एस पी आर ओ में करते हैं एस पी आर ओ इम्प्लीमेंटेशन गाइड में सो एस पी आर ओ इम्प्लीमेंटेशन गाइड उसके बाद जाएंगे लॉजिस्टिक जर्नल में राइट क्या करना है इस बार आपको आप करना है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटेरियल टाइप तो जाएंगे लॉजिस्टिक जर्नल मेटेरियल मास्टर में बेसिक सेटिंग में राइट तो जाएंगे आप लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे मेटर मास्टर में नेविगेट टू मेटेरियल मास्टर गो टू द फील्ड सेलेक्शन ठीक है फील्ड सेलेक्शन में ही हमने डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर स्पेसिफिक फील्ड किया था अब हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे मेटेरियल टाइप क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगर करेंगे मेटेरियल टाइप सो बेसिक सेटिंग में जाना है मेटर मास्टर के बाद बेसिक बेसिक सेटिंग में जाना है देन टाइप्स में जाना है बेसिक सेटिंग में जाना है देन मेटेरियल टाइप में जाना है उसके बाद डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप में जाके एग्जीक्यूट करना है ये हो आपका एग्जीक्यूट Position में जाना है यहाँ से आप क्या करोगे ये सारे लिस्ट ऑफ हैं राइट right? तो इसमें से आप स्टैंडर्ड मटेरियल्स जो है सेलेक्ट करोगे स्टैंड मेटीरियल से आर ओ एच होता है स्पेयर पार्ट्स के लिए इर्षा होता है फिनिश के लिए फॉल्ट होता है तो ऐसे ही आप जो है उनको रेफरेंस लोगे स्टैंडर्ड मटेरियल्स को रेफरेंस लोगे जैसे हमने इंडस्ट्री सेक्टर जो है कन्फिगर किया था कन्फिगर ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर किया था तो उसके अंदर भी हमने रेफरेंस मैकेनिकल को लिया था तो हमको स्टैंडर्ड जैसे कि स्टैंडर्ड इंडस्ट्री सेक्टर स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप इनको हमको क्या होता है रेफरेंस लेना होता है जिससे कि हम इनको कॉपी कर सकें तो हम जो है पहले रॉ मटेरियल के लिए कन्फिगर करेंगे तो मटेरियल टाइप रॉ यहाँ पे एक तो बार फिर से बता देता हूँ पोजीशन में जाना है मटेरियल टाइप में रॉ आर ओ एच एंटर ये आपका ओपन हो गया रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करना है कॉपी एस जाना है कॉपी एस कॉपी एस जाना है और अपनी जो है मेटेरियल टाइप के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेना है तो अपन क्या करेंगे मेटेरियल टाइप कुछ भी दे सकते हैं पर उस स्टेप से पहले आपको ये एक्सेल फाइल जो है क्रिएट करके रखनी है मैंने इसका जो है ये जो मैंने अपनी फाइल जो है मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर दी है आप वहां से जाके अपने अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग के डी एस फाइल एडिट कर सकते हो राइट तो ये अपना एन था कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लास्ट टाइम पे किया था इंडस्ट्री सेक्टर का केशरिया लिमिटेड राइट राइट right? तो ये था आपका किचरिया लिमिटेड अब मैं ले लेता हूं मटेरियल टाइप रॉ मटेरियल के लिए जैसे रॉ है तो मैं रॉ ले लेता हूं अपना पी ओ एच पी ओ एच राइट रॉ पी ओ एच ये आपको मेंटेन करना है के डी एस फाइल में ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मेंटेन करना है रॉ है मेरा पीओ एच ये है मेरा पी ओ एच रॉ मेटीरियल पीओ एच रॉ मेटीरियल राइट फील्ड रेफरेंस आपको चेंज नहीं करना ये आपको रॉ ही रहने देना है जो कि स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है तो उसको आपको चेंज नहीं करना है एंटर करना है राइट एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं नहीं ले सकता ठीक है तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा मैं एनओ एच ले लेता हूं एनओ एच एनओ एच राइट एंटर एंटर करेंगे ठीक है ये जो है प्रॉम्प प्रॉम्प्ट जो है ओपन होगा इसको एंटर करेंगे सेलेक्ट करोगे जो आपने अभी क्रिएट किया है ओ एच रॉ मेटीरियल सेलेक्ट सेव आपका जो है प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट जो है ओपन हो जाएगा उसको आप एंटर करोगे एंड तो आपका जो है अपना मेटेरियल टाइप कंफिगर हो चुका है राइट लुक इन द नोट्स ये नोट्स में ये आपका पाथ क्लिक एग्जीक्यूट क्लिक पोजिशन एंटर द स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप लाइक आर ओ एच इर्सा एक्सेट्रा क्लिक एंटर देखो पोजिशन में जा गए थे हम यहाँ से अपना मटेरियल टाइप दिया था स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप उसको कॉपी किया था उसके रो को सेलेक्ट किया था उसको क्लिक कॉपी किया था ऊपर से उसके बाद आपने मटेरियल टाइप और ये जो है डिस्क्रिप्शन चेंज किया एंड चेंज द मेटेरियल टाइप कोड एंड डिस्क्रिप्शन उसके बाद आपने एंटर किया तो आ, या तो आपको एक बार ही एंटर करके सेव कर देना है अगर दोबारा से अगेन एंड अगेन प्रोम फाइल नहीं प्रोम विंडो नहीं ओपन हो रही है तो आपको जो है एक बार एंटर करके सेव कर देना है अदरवाइज जब तक एंटर कर देना है सेव विंडो ना आ जाए राइट तो हमारा क्रिएट हो गया क्या रॉ मटेरियल के लिए जो है मटेरियल टाइप यह है हमारा क्या एन ओ एच ओ एच राइट ऐसे ही हम जो है सेमी फिनिश्ड स्पेयर पार्ट और फिनिश के लिए भी करेंगे लेकिन जो है किसी स्टूडेंट ने क्योंकि ऑनलाइन सर्वर है जो स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट्स लाइक ईर्सा स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट्स जो हैं डिलीट कर दिए हैं बाय मिस्टेक लाइक ये अगर इर्षा है इसको क्रिएट करके देख लेते हैं मटेरियल टाइप अपना ले लेते हैं हम अपना एन आर एस ए राइट नो 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 ये लिया सेलेक्ट किया कॉपी एस किया और यहां पर अपना चेंज कर दो एन आर एसे एन आर एस ए स्पेयर पार्ट स्पेयर पार्ट राइट फील्ड रेफरेंस चेंज नहीं करना है hmm? क्योंकि ये है स्टैंडर्ड के लिए फर्ट है ये हल्व है ये सारे स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं तो आप इनको रेफरेंस लेके जितने भी स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप हैं उनको आप रेफरेंस लेके आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो आपसे क्लाइंट कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेटेरियल टाइप कन्फिगर कर सकते हो राइट सो इर्शा है सुना किसी ने वो डिलीट कर दिए हैं मैंने उनको बोला है सर्विस प्रोवाइडर को वो दोबारा से अपने कंसल्टेंट से जो कन्फिगर करा देंगे अभी के लिए आप जो है रॉ मटेरियल को ही फील्ड रेफरेंस ले, ले जो है क्रिएट करो मटेरियल राइट right? इसको हम देख लेते हैं एक ये क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है एंड एंट्री ऑलरेडी ले लेते हैं आपका पी आर एस Enter. चलो ये तो क्रिएट हो गया आपका स्पेयर पार्ट्स के लिए भी क्रिएट हो रहा है राइट right? इसको फिर कर देंगे अपन सेव टारगेट की मस्ट डिफरेंट फ्रॉम सोर्स की सेलेक्ट करो सेव करो ठीक है एक बार हम जो है फॉल्ट का भी जो है क्रिएट करके देख लेते हैं फॉल्ट को रेफरेंस लेके क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा था क्रिएट फॉल्ट फिनिश गुड सेलेक्ट करना है कॉपी एस करना है अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज करना है बट ये फील्ड रेफरेंस जो है नहीं चेंज करना है मेटेरियल टाइप और फील्ड रेफरेंस नहीं चेंज करना है मैंने उन्हें पोल दिया है वो हो सकता है रिजॉल्व कर देंगे एक दो दिन में Peace. राइट right? को जाना है यहां बैक करो अब हमने क्या कर लिया कन्फिग्रेशन ऑफ मटेरियल टाइप कर लिया राइट right? अब हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द परचेसिंग ग्रुप सो ये है इसका पाथ कन्फिग्रेशन ऑफ द मटेरियल टाइप सॉरी कन्फिग्रेशन ऑफ द चेजिंग ग्रुप हमने क्या क्या अभी तक कंफिगर कर लिया कंफिग्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर कन्फिग्रेशन ऑफ द मेटेरियल टाइप ये दो चीज हमने कंफिगर कर ली अब हम करेंगे कंफिग्रेशन ऑफ द परचेजिंग ग्रुप एस पी आर ओ एसपीआरओ में जाना है आपको एस पी आर ओ में जाना है आपको मेटेरियल मास्टर में मेटेरियल मास्टर में जाना है आपको परचेजिंग में परचेजिंग में नेविगेट करने के बाद आपको जाना है कहाँ जाना है क्रिएटिंग ग्रुप एग्जीक्यूट इसमें जाके आपको न्यू एंट्रीज में जाना है न्यू एंट्रीज आपको यहाँ पर परचेजिंग ग्रुप देना है तो मैं परचेजिंग ग्रुप दे देता हूँ क्या मेरा है पी पी जी वन परचेजिंग ग्रुप वन पर अगर ये जो है पहले से कंफिगर नहीं किया गया होगा एक बार देख लेते हैं पी जी वन आपको सारी जो है डिटेल्स अपने एक्सेल के अंदर जो है अपने के फाइल के अंदर मेंटेन करनी है ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो यार वहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज़ जो आएंगी फ्रेशर्स के लिए वो अपलोड की जाएंगी फॉर एस ए पी एम कंसल्टेंट उस आपको सारे नोट्स जो है सेंड किए जाएंगे ठीक है आपको रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है जो डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो आपको जो है रिक्वेस्ट सेंड करना होता है जी के लिए समटाइम्स मैं अवेलेबल होता हूँ मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ ड्यू टू द बिजी स्ड्यूल तो आप वहाँ जाकर टेलीग्राम में ग्रुप में जाकर सारे लेक्चर्स जो है डाउनलोड कर सकते हो आपको सारे स्टूडेंट धर्मा वहाँ पर जो है सेंड करने हैं वहाँ पे आप एक दूसरे को यार एज अ फ्रेंड अगर आपको डाउट आता तो, तो एक दूसरे से क्लियर भी कर सकते हो नहीं तो मुझसे क्लियर कर सकते हो स्क्रीन शॉट भेज के तो जाओ डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो वो आपके बहुत हेल्प uh, आने वाला है तो हमको हमारे क्लाइंट ने बोला कि आपको ये तीन परचेसिंग ग्रुप बनाने हैं तो हम जो है ये तीन ग्रुप बना रहे हैं ठीक है तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी और इसको कर देते हैं हम यहां पर पेस्ट एंटर ये देखो पहले से एग्जिस्ट है तो हमको चेंज करना होगा हम इसको ले लेते हैं क्योंकि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंट्री होगी तो हम उसको सेम एंट्री नहीं दे सकते हमको यूनिक एंट्री देनी होती है तो ऑलरेडी किसी ने वो क्रिएट कर रखी है क्योंकि ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं राइट राइट एंटर सेव ये आपका प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट ओपन होगा इसको अगर ये आपके ही कंपनी का है तो आपको एंटर करना है एंटर नाउ परचेजिंग ग्रुप जो है क्रिएट कॉन्फ़िगर uh, हो चुके हैं एनजी वन एनजी टू एंड एनजी थ्री आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जितने आपको परचेसिंग ग्रुप चाहिए आपके क्लाइंट को जितने परचेसिंग ग्रुप चाहिए जितने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आप उतने क्रिएट कर सकते हो एन जी वन एन जी टू एंड एन जी थ्री एन जी टू एंड एन जी थ्री राइट right. अब हम क्या करेंगे क्रिएट करेंगे मैटेरियल ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया इंडस्ट्री सेक्टर मेटेरियल टाइप कन्फिगर कर लिया सॉरी कन्फिगर कर लिया हमने इंडस्ट्री सेक्टर कन्फिगर कर लिया हमने मेटेरियल टाइप कन्फिग्रेशन ऑफ परचेसिंग ग्रुप भी कर लिया अब हम करेंगे कन्फिग्रेशन ऑफ मेटेरियल ग्रुप राइट पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं यहां से अपनी कंपनी का दे देते हैं केसरी मैकेनिकल केसरी इलेक्ट्रिकल केसरी केमिकल केसरी इलेक्ट्रॉनिक राइट केसरी इलेक्ट्रिकल आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर दोगे जो आपने अपने कंपनी का नाम दिया है क्योंकि आपने स्ट्रक्चर जो है डिफाइन और असाइन किया होगा तो आपको अपनी कंपनी का जो है देना है कन्फिग्रेशन एंड कीप इन माइंड अपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था था कि पाँच से दस कंपनीज का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन और असाइन करना है लेकिन आप ये जो सारे कन्फिग्रेशन या फिर आगे जितनी भी कन्फिग्रेशन करोगे या फिर जो कुछ भी करोगे आप सिर्फ एक इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे करोगे किसी एक को सेलेक्ट कर लो और बाकियों को अभी के लिए छोड़ दो जैसे आपने पांच क्रिएट किए होंगे पांच डिफाइन एंड असाइन किए होंगे स्ट्रक्चर्स का असाइनमेंट किया होगा तो आपको सिर्फ अभी एक uh, को ही वो करना है नहीं तो जो है आपको जो है डाउट uh, क्रिएट हो गए बहुत ज़्यादा तो अभी आपको चार को बाकी को छोड़ देना अभी के लिए उनको हम बाद में करेंगे जहाँ हम पूरा एक कर लेंगे उसके बाद एज अ प्रैक्टिस आप बाकी के तीन को कर सकते हो या फिर बाकी के चार जितने भी आपने क्रिएट किए उनको बाद में कर सकते हो तो अभी के लिए हम सिर्फ एक कंपनी को उठाएंगे उसी का स्ट्रक्चर उठाएंगे उसी का सारा कन्फिगेशन करेंगे इज दैट क्लियर ठीक है नहीं तो आप बहुत ज्यादा जो है डाउट्स आएंगे बहुत ज्यादा एरर्स आएंगे आपको राइट right. अब हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटीरियल ग्रुप उसके लिए कहाँ जाना है हमको एसपीआरओ आई एम जी से लॉजिस्टिक जर्नल मेटेरियल मास्टर सेटिंग फॉर द की फील्ड एंड डिफाइन मेटेरियल ग्रुप ये है आपका पाथ क्या है ये है आपका पाथ गो टू एस पी आर ओ गो टू आई एम जी इम्प्लीमेंटेशन गाइड गो टू द लॉजिस्टिक जनरल गो टू द मेटीरियल मास्टर गो टू द की फील्ड इसमें जाना था नटिंग्स फॉर द की फील्ड यस देन डिफाइन क्या करना है आपको मेटेरियल ग्रुप्स ग्रुप्स को जो है डिफाइन करना है तो डिफाइन मेटेरियल ग्रुप इसमें जाना है आपको न्यू एंट्रीज में देखो नोट्स में सब कुछ मेंशन है क्लिक न्यू ये क्लिक न्यू एंट्रीज गिव मेटेरियल ग्रुप कोड एंड डिस्क्रिप्शन क्लिक क्लिक एंटर एंड सेव ये देखो तो एकदम पिक्टोरियल व्यू से दिखाया एरा न्यू एंट्रीज किया न्यू ए, न्यू एंट्रीज पे उसके बाद ये सारी एंट्रीज देनी है एंटर करना है सेव करना है राइट तो यहां पर आपको देनी है सारी एंट्रीज मैं कॉपी कर लेता हूं डायरेक्ट Control C, Control V, Enter, Save, Prompt for customization request, Enter, Right, Backslash N. तो अभी तक हमने क्या देखा हमने जो है चारों कॉन्फ़िगरेशंस कर लिए हैं अब हम क्या करेंगे जैसे कि पहले हम इंडस्ट्री सेक्टर अलग लेते थे मैकेनिकल लेते थे और जो है स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड परचेजिंग ग्रुप होते थे उसको लेते थे मटेरियल टाइप स्टैंडर्ड लेते थे अब हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लेंगे अपने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेंगे अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग लेंगे जो क्लाइंट ने बोला है कि हमको ये ये चाहिए भाई ये हमको यूज़ करना है हमको मेटेरियल टाइप स्टैंडर्ड नहीं चाहिए हमको अपने कनफिगर करने हैं तो ठीक है हमने कन्फिगर कर दी हम तो कंसल्टेंट हैं हम तो कुछ भी कर लेंगे अपन तो कुछ भी कर सकते हैं तो हमने जो है उनके लिए कन्फिगर करके दे दिए सो so, अब हम क्या करेंगे जैसे कि हमने आपको बताया था कि कैसे हम क्रिएट करते हैं मेटल मास्टर रिकॉर्ड एम एम जीरो वन से चेंज करते हैं एम एम जीरो टू से एंड डिस्प्ले करते हैं एम एम जीरो थ्री से तो जब हम एम एम जीरो वन से क्रिएट करते थे मेटल मास्टर रिकॉर्ड्स तो उसके अंदर हम स्टैंडर्ड लेते थे लेकिन अब हम जो है अपनी उसका लेंगे कंपनी का लेंगे और रियल टाइम के अंदर भी जब आप ऐसे भी कंसल्टेंट बन जाओगे तो रियल टाइम के अंदर भी आप पहले उनको कन्फिग्रेशन करके दोगे ठीक है उसके बाद उनको बताओगे कैसे कि मेटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है या फिर आप उनको क्रिएट करके दोगे ठीक है उनके उनके मेटेरियल टाइप के अकॉर्डिंग उनके मेटेरियल ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके परचेजिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग राइट उनके इंडस्ट्री सेक्टर के अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए बताया था कि कैसे क्रिएट करते हैं मेटल मास्टर रिकॉर्ड ठीक है अब हम क्रिएट कर लेते हैं इन सारी डिटेल से तो क्या टास्क क्या है आपका ये स्टूडेंट धर्मा है मैं आपको पहले भी करके दिखा देता हूँ राइट right. तो अब हम क्या करेंगे अपना जो है क्रिएट करेंगे मेडल मास्टर रिकॉर्ड जो हमने कंफिगर किए हैं उन डेटा को लेके राइट देख करके दिखाता हूं तो जैसे मैं जो है अपना मेटेरियल ले लेता हूं क्या मेटेरियल लें सैंपल वन टू थ्री ले, Sample, one, two, three, ले? अपना मटेरियल ले लेते हैं अपने स्टूडेंट का नाम ठीक है निशा वन टू थ्री लाइक ये मेटेरियल है जो कि क्लाइंट ने हमको दिया है जो कि उनकी कंपनी में उनके प्लांट में यूज होता है तो हम क्रिएट कर रहे हैं ऐसे पी इन्वायरमेंट में निशा वन टू थ्री इसके अंदर आप हम जो है अपना इंडस्ट्री लेंगे तो हमने जो कन्फिगर किया था एन केसरिया लिमिटेड सेलेक्ट ऐसे आप अपने कंपनी के लिए करोगे अपने इंटरप्राइज के लिए करोगे ठीक है इंडस्ट्री सेक्टर क्रिएट कन्फिगरेशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर तो मैंने एन किया था केसरिया लिमिटेड मेटेरियल टाइप लेंगे हमने क्या किया था मेटेरियल टाइप क्रिएट हमने किया था ओ एच राइट ओ एच ठीक है पहला लेटर जो है आप एंटर करोगे तो आ जाएगा एन ओ एच रॉ मेटीरियल ठीक है अब लिस्ट के अंदर हमारे मेटेरियल टाइप भी हैं हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी है सारी हमारी डिटेल्स हैं ठीक है सेलेक्ट व्यूज बेसिक डेटा वन आपको व्यू सेलेक्ट करना है तो हम कौन कौन से व्यू सेलेक्ट करते थे बेसिक डेटा वन परचेजिंग जनरल प्लांट डेटा स्टोरेज वन एंड अकाउंटिंग वन ये सारे व्यूज को भी हम देखेंगे जो बचे कुछ हैं तो अगर हम जो है वन बाय वन ले लेते हैं ठीक है जिससे आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से आएगी जैसे जैसे टॉपिक हम कवर करते जाएंगे उनके व्यूज भी हम लेते जाएंगे ठीक है तो अभी हम सिर्फ चार व्यू लेंगे बेसिक डेटा वन परचेजिंग जनरल प्लांट डेटा स्टोरेज वन एंड अकाउंटिंग वन गो टू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल अब मेरा प्लांट है के आर जीरो वन स्टोरेज लोकेशन के आर जीरो वन यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है मटेरियल का कंट्रोल वी बेसिक यूनिट ऑफ मेजर ईच ले लेते हैं अब देखो हम अपना मेटेरियल ग्रुप लेंगे तो क्या था हमारा मेटेरियल ग्रुप जो हमने कन्फिगर किया था ओ एच क्या था मेटेरियल ग्रुप ओ एच नहीं था वो था आपका मेटेरियल टाइप तो मेटेरियल ग्रुप क्या कौन कौन से थे ये थे पांच केशरिया मैकेनिकल केसरिया इलेक्ट्रिकल केशरिया केमिकल केसरी इलेक्ट्रिक केसरी अदर तो ये हमारा केसरी अदर लेंगे हम इसको ठीक है केसरी अदर राइट परचेजिंग ग्रुप क्या कहते हैं हमारे परचेजिंग ग्रुप हमारे परचेजिंग ग्रुप जो हमने कन्फिग्रेशन ऑफ परचेसिंग ग्रुप किया था एन जी वन एन जी टू एनजी थ्री तो अपन एन जी वन ले लेते हैं राइट right. मैंने कहा था ना एक बार जब हम कन्फिग्रेशन कर देंगे तो ये अपन की टेरिटरी होगी तो ये अब अपन की टेरिटरी है पहले हम जो स्टैंडर्ड्स ले रहे थे जीरो जीरो वन ले रहे थे ठीक है जीरो 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 जीरो, जीरो वन ये सारे ले रखे थे अब हमने अपने कन्फिग्रेशन कर दिए हैं ये देखो उसके लिस्ट के अंदर अपना भी मिल जाएगा सारे मिल जाएंगे अपने एन जीरो वन एन जी वन एन जी टू एन जी थ्री ये रहे हमारे तीनों राइट आप कन्फिगर करोगे तो आपके भी आएंगे लिस्ट में तो मैंने एन जी वन लिया एंटर एंटर अकाउंटिंग व्यू मैंडेटरी फील्ड डालेंगे हम हमारा रॉ था तो हम वैल्यूशन क्लास थ्री थाउजेंड वन से थ्री थाउजेंड थ्री लेंगे तो थ्री थाउजेंड वन प्राइस मूविंग एवरेज प्राइस नाइन्टी नाइन ले लेते हैं नहीं यार थोड़ा ज्यादा प्राइस राइट right. एंटर इसके बाद ये प्रॉम्प्ट ओपन होगा इसको यस करना है डू यू वांट टू सेव योर डेटा फॉर द मटेरियल फर्स्ट यस ठीक है आपका जो है मटेरियल क्रिएट हो गया एक और क्रिएट कर लेते हैं और एक और किसी स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं तो रोहित भी शायद अपने स्टूडेंट हैं यूट्यूब के रोहित वन टू थ्री ये मैंने पहले लिया है वन 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 इंडस्ट्री सेक्टर वही लेंगे हम एंड अपना केसरी केसरी अलिमिटेड मेटेरियल टाइप हमने सिर्फ यही क्रिएट कर पाया है ये हमने फॉल्ट भी किया था ना दो हमने कर लिए थे बाकी जो है स्टैंडर्ड डिलीट हो गए हैं किसी से बाय मिस्टेक तो वो अभी हम नहीं क्रिएट कर कर पा रहे थे वो आर टी देखते हैं जीरो ओ आर टी सेलेक्ट व्यूज ये हो गया क्रिएट तो आप जो है रॉ कर सकते हो और फर्ट जो है बेसिक दिया हुआ है इसके अंदर स्टैंडर्ड मेटेरियल टाइप दे रखें उनको रेफरेंस लेके आप जो है मेटेरियल क्रिएट करेंगे ठीक yeah. है अभी ईर्षा नहीं क्रिएट हो रहा है स्पेयर पार्ट्स के लिए तो उसे छोड़ देंगे बाकी ये दोनों लेंगे तो हम व्यू सेलेक्ट करेंगे बेसिक डेटा वन परचेजिंग प्लांट स्टोरेज वन अकाउंटिंग वन ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्लांट के आर जीरो वन एंटर आपको ये मेटीरियल का डिस्क्रिप्शन देना है राइट रॉ मेटीरियल एंड इस बार था रॉ नहीं था इस बार था फिनिस्ड राइट बेसिक यूनिट ईच ले लेते हैं ईच मेटेरियल ग्रुप क्या लें केशरिया अदर एंटर ठीक है परचेजिंग ग्रुप अपना लेंगे एन जी टू ले लेते हैं इस बार जो हमने कन्फिग्रेशन किया था एंटर एंटर यहाँ पर वैल्यूशन क्लास ले लेते हैं ठीक है क्योंकि ये है आपका फॉल्ट तो हम इसका फिनिस्ड uh, हमने ये जो है फिनिश से लिया था तो फिनिश का क्या होता है सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी वैल्यूशन क्लास तो हम वो ले, ले लेते हैं प्राइस कंट्रोल वी राइट प्राइस दे देते हैं आपको मूविंग एवरेज वन नाइन 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 राइट Enter, entry too long. Enter in the format. Okay. Enter, enter. Valuation not allowed for the material type. Finished. Good. O E R T. जो आपके valuation class यहाँ पे मेंस हैं आप वो ले लो. ठीक है ये गलत show कर रहा है इसके अंदर. बाकी ये होता है आपका रॉ मटेरियल के लिए वैल्यूएशन क्योंकि रेफरेंस में तो हमने फिनिश गुड लिया था सिस्टम नहीं ले रहा है तो कोई नहीं वो कन, गलत जो है एप एप से जो है गलत हो गया है वो राइट सो so, यस yes. आपको अगर इंटरव्यूअर पूछे तो आपको वैल्यूएशन क्लास वही बताना है रॉ के लिए थ्री थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड थ्री जो भी था और स्पेयर पार्ट्स के लिए जो भी था फिनिश के लिए जो भी था रॉ और सेमी फिनिश के लिए जो भी था जैसे फिनिश के लिए था जो मैंने लिस्ट दिया आपको रिमेंबर होना चाहिए बहुत बार इंटरव्यू एक और जो है मेटेल क्रिएट कर लेते हैं एक और है अपने स्टूडेंट का नाम मोनू गुप्ता तो उनके नाम पे ले लेते हैं वैसे मेटेरियल्स जो है नेम नेम पे नहीं होते हैं जो क्लाइंट हमको देते हैं मेटेरियल्स के नाम हम उनको क्रिएट करते हैं ठीक है उनको कन्फिगर करते हैं उनको क्रिएट करते हैं जैसे कि स्टील प्लांट है तो अगर आ, वो कह रहे हैं कि हम जो है आयरन यूज करते हैं पिग आयरन यूज करते हैं तो आप मेटेरियल पिग आयरन लोगे राइट तो ये तो टेस्टिंग है तो हम जो आपको टेस्टिंग की तरह ही समझा रहे सेलेक्ट व्यूज़ लेते हैं क्या था पीओएस था या एनओएस था

ओके कंट्रोल सी डिस्क्रिप्शन रॉ मटेरियल राइट ईच मटेरियल ग्रुप अदर्स ले लेते हैं केशरी अदर एंड परचेजिंग ग्रुप एन जी थ्री ले लेते हैं एंटर एंटर वैल्यूशन क्लास रॉ के लिए वी ठीक है मूविंग प्राइस आप ले लो राइट सो टोटल स्टॉक आप दे सकते हो मैंडेटरी नहीं है स्टैंडर्ड प्राइस भी आप दे सकते हो ये सारे डेटा जो है मैंडेटरी नहीं है तो हम सिर्फ मैंडेटरी डेटा फिल कर रहे हैं एंड यस ठीक है तो हमने क्रिएट किए चार या पांच हमने मटेरियल क्रिएट किए उनको हम जो है देख लेते हैं एम एम सिक्सटी में एम एम सिक्सटी तो हम क्या करते हैं प्लांट प्लांट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और हम मटेरियल टाइप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं राइट तो अपन क्या करते हैं हमने जो अभी क्रिएट किए हैं तो हम उनको मटेरियल टाइप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं मटेरियल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं तो हम जो है प्लांट uh, और मटेरियल टाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मटेरियल टाइप हमारा क्या था पोह पोएस तो नोएस था नोह सॉरी एन ओ एच एंड एक्सिक्यूट ये देखो मोनू गुप्ता एंड निशा वन टू तो थ्री प्लांट के आर जीरो वन वैल्यूशन टाइप जो है मेंशन नहीं करी थी हमने ठीक है मटेरियल डिस्क्रिप्शन मटेरियल टाइप मटेरियल ग्रुप यूनिट परचेजिंग ग्रुप वैल्यूएशन क्लास वैल्यूएशन टाइप नहीं दिया था हमने वैल्यूएशन क्लास दिया था राइट right? पर प्राइस कंट्रोल रियर आपका प्राइस ये करेंसी क्रिएटेड बाय ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दिए हैं राइट right? अगर आप चाहो तो एक से ज़्यादा मेटेरियल टाइप्स के लिए भी देख सकते हो कैसे यहाँ जाना है आपको और जो आपने क्रिएट किए हैं सारे मेटेरियल टाइप को यहाँ पर अपना जो भी आपकी कंपनी के मेटेरियल टाइप्स हैं सब सबको यहाँ पर मेंशन करा दो जैसे मेरे केस में क्या क्या है मैंने ओ ई आर टी करा है और एन ओ एच किया है एन ओ एच और ओ सॉरी जी ओ आर टी जो जीरो ओ ई आर टी ओ आर टी तो हम ले ही नहीं पाए थे ऑलरेडी अवेलेबल था एंटर राइट एग्जीक्यूट अब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको दोनों का दिखाएगा देखो रोहित वन 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 वो था ओ आर टी मेटीरियल टाइप और निशा वन टू थ्री एंड मोनू गुप्ता जो था वो था मेटेरियल टाइप एनओ एच राइट ये थे आपके लिस्ट ऑफ मेटीरियल ठीक है देखो नोट्स में एकदम वेल डिफाइंड वेनर में दिया है आपको देखना है अगर मेटेरियल्स को तो आप कैसे देखोगे एम एम सिक्सटी में ये देखो मेटेरियल सिक्सटी एम एम सिक्सटी मेटेरियलिस्ट अगर आपको देखनी है तो प्लांट आपको मेंशन कराना है मेटेरियल टाइप में इस वाले ऑप्शन में जाना है आपके जितने भी मैटेरियल टाइप आपने कन्फिगर किए हैं अभी के लिए तो आप दो ही कर सकते हो लाइक रॉ के लिए और फिनिश के लिए तो आप दोनों यहाँ पर मेंशन कराओगे वैसे आप चार कर सकते हो और भी कर सकते हो पाइपलाइन को ले कर बेसिक ठीक है आप पाइपलाइन को भी बेसिक ले सकते हो लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ दो को लेना है ठीक है रॉ को लेना आर ओ एच को रेफरेंस और फर्ट को फिनिश गुड को रेफरेंस लेना सिर्फ इन दोनों को आपको रेफरेंस लेके आपको अपने मेटीरियल कन्फिगर करने हैं मेटेरियल टाइप कन्फिगर करना है ठीक है जैसे मैंने एन ओ एच किया था और ओ ई आर ए किया ओ फर्ट का किया था मैंने ओ ई आर टी किया था राइट क्लिक एंटर करना है एग्जीक्यूट करना है आपको लिस्ट ऑफ मेटेरियल ओपन हो जाएंगे ठीक है तो ये आपका स्टूडेंट धर्मा स्टूडेंट धर्मा बताने से पहले एक बार हम क्यूक रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा राइट right? तो आज हमने क्या क्या देखा आज हमने देखा कि कन्फिग्रेशन ऑफ मटेरियल टाइप हम कैसे करते हैं उसका ये पाथ था राइट right? रेफरेंस में लेते हैं मेटीरियल को ठीक है पोजिशन करके सेलेक्ट करके कॉपी एज करके आपको मेटेरियल टाइप देना है डिस्क्रिप्शन देना है राइट एंटर एंटर जब तक सेव का ऑप्शन ना है एंटर करना है सेव करना है कन उसके बाद देखा हमने कि कन्फिग्रेशन ऑफ परचेजिंग ग्रुप कैसे करते हैं ये रहा उसका पाथ ठीक है एक्जीक्यूट करना है न्यू एंट्रीज़ पे जाना है और जितने आपके परचेजिंग ग्रुप कोड हैं और डिस्क्रिप्शन है उनको वहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट करना अपने एक्सेल सीट से एंटर और सेव कर देना फिर उसने हमने देखा कि कन्फिग्रेशन ऑफ मेटेरियल ग्रुप कैसे करते हैं उसके लिए ये पाथ है आपको लॉजिस्ट एस पी आर ओ आई एम जी लॉजिस्टिक जर्नल में जाना है मेटेल मास्टर में जाना है सेटिंग फॉर की फील्ड्स एंड डिफाइन ग्रुप करना था उसके बाद न्यू एंट्रीज में आपको जाना है आपको अपने मेटेरियल कोड और डिस्क्रिप्शन देने हैं एंटर करना है सेव करना है लाइक दैट ठीक है उसके बाद फिर हमने देखा था कि हम लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं सारे मेटेरियल टाइप्स के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है इस आइकॉन पे सारे अपने मेटेरियल टाइप देना जो आपने कॉन्फ़िगर किए हैं एग्जीक्यूट करना ठीक है एंटर करना एग्जीक्यूट करना आपको सारे लिस्ट ऑफ मटेरियल्स जो है सो so हो जाएंगे राइट अब स्टूडेंट धर्म तो आपको एज ए स्टूडेंट आपका कुछ धर्म बनता है आपको क्या करना है कन्फिग्रेशन करना है आपका इंडस्ट्री सेक्टर मेटेरियल टाइप मेटेरियल ग्रुप एंड परचेजिंग ग्रुप राइट क्रिएट करना है मेटेरियल मास्टर रिकॉर्ड न्यूली कन्फिगर्ड डेटा से जैसे मैंने अभी क्रिएट किए थे एम एम जीरो वन से मटेरियल्स वो आपको क्रिएट करने हैं न्यूली कन्फिगर्ड डेटा से ठीक है पांच मटेरियल क्रिएट करने हैं हर एक मटेरियल टाइप के ठीक है तो दो मटेरियल टाइप आप क्रिएट uh, कन्फिगर uh, करने वाले हो एक रॉ के लिए और एक फिनिश्ड के लिए फर्ट के लिए तो दोनों के पाँच पाँच आप मटेरियल टाइप जो है क्रिएट करोगे और उनका स्क्रीन शॉट यानी चेक करोगे ना जब एमएम सिक्सटी पे उसका स्क्रीन शॉट लोगे और आप मेरे को सेंड करोगे कहाँ टेलीग्राम में कहा Telegram, M60 का स्क्रीन शॉट राइट आपके सिस्टम का लैपटॉप का एम एम सिक्सटी का स्क्रीन शॉट आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे जो है सेंड करोगे एंड डू द मेटल मास्टर कन्फिग्रेशन ठीक है बिफोर डूइंग द कन्फिग्रेशन ये नोट है कन्फिग्रेशन करने से पहले आपको ये मस्ट है आपको जो कन्फिगरेशन डेटा है डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो एक्सेल में जो है क्रिएट करना है राइट एक्सेल डॉक्यूमेंट में पहले क्रिएट करना है मैंने आपको जो है आ, मैंने सेंड अपना जो आ, मेरा एक्सेल सीट है एक्सेल फाइल है एडीएस फाइल वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया वहाँ से कॉपी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ठीक है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है स्टूडेंट धर्मा तो आप लेक्चर वन से स्टार्ट कर सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आज से स्टार्ट करो लेक्चर वन से स्टार्ट करो ठीक है और मेरे को सेंड करो लेक्चर वन से ही नो no मैटर कि आपने अभी तक स्टार्ट किया है नहीं किया है लेक्चर वन से स्टार्ट करो स्टूडेंट धर्मा सेंड करो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करो वहाँ वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है राइट ये जिसने अभी तक सेंड बॉक्स नहीं क्रिएट परचेज किया है वो लोग वहाँ से यहाँ से जाके सैंड बॉक्स जो है परचेज़ कर सकते हो अभी जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला सैंडबॉक्स यूज़ कर रहा हूँ राइट आप भी कर सकते हो क्योंकि ये अभी तक चीपेस्ट है थाउजेंड एंड फोर थ्री मंथ है राइट सो थैंक यू गाइस पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स अलॉट लास्ट तक जुड़े रहने के लिए अभी अपनी फैमिली जो है फिफ्टी की होने वाली है आई होप जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो फिफ्टी की फैमिली हो चुकी होगी अपने यूट्यूब पर जब आप हंड्रेड की फैमिली करके दोगे तो मैंने कुछ नया प्लान कर रखा है अपन फिर डाउट सेसनस लिया करेंगे हर एक वीक जो है उस पर पे, पे हम जो है डाउट सेसन लिया करेंगे ठीक है तो फटाफट हंड्रेड की फैमिली कंप्लीट करो बहुत कुछ आ, प्लान किया गया आप लोगों के लिए हंड्रेड की जैसी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाएगी डाउट सेसन हर वीक जो है लिए जाएंगे पे राइट स्काइप पे मीटिंग में जो है डाउट सेशंस लिए जाएंगे जो जो डाउट्स आपको आ रहे हैं ड्यूरिंग द कन्फिग्रेशन या फिर किसी में भी आपको जो डाउट आ रहा है तो वो जो है क्लियर किए जाएंगे सो थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा तो लाइक like करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको रियली इसकी नीड्स है जो एक्सपेक्ट एक्सपेंसिव मार्केट में कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है तो उनके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन